hello students hello and welcome back this is aisha khan your ugc net english faculty at super coaching by testbook welcome to today's session Achha, hum kya kar rahe so far we've been trying to cover the questions that were asked in shift one paper in shift one paper of your exam that was held on 21st august 2024. तो जो आपका रीनेट एग्जाम कंडक्ट हुआ है 2024 का जून साइकिल का उसकी हम शिफ्ट वन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं दिस इज गोइंग टू बी योर पेपर सॉल्विंग सीरीज वंस वी कंप्लीट द शिफ्ट वन हम पेपर टू के भी क्वेश्चन सारे ही सॉल्व करेंगे इन क्लास ठीक है बट बिफोर वी बिगिन लेट मी जस्ट टेल यू जो आपकी ये फ्री क्लासेज होती हैं इनकी टाइमिंग्स क्या रहती हैं सो योर रेगुलर क्लासेस योर फ्री क्लासेज ऑन यूट्यूब टेक प्लेस एट ट्वेल्व नोन उसके बाद आपकी जो मास्टर क्लासेस होती हैं विच आर यूजली फॉलो अप क्लासेस यूट्यूब वो आपकी होती हैं ऑन द टेक्स्ट बुक ऐप उसका टाइम आपका रहता है टू पी एम प्लीज नोट जो आपकी मास्टर क्लासेस हैं दीज आर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट राइट यू डू नॉट हैव टू पे फॉर तो आपकी यूट्यूब एंड आपकी मास्टर क्लासेज फ्री क्लासेस हैं अलॉन्ग विद डैट जो आप हमारा इंग्लिश चैनल है विच इज़ यू जी सी नेट क्लासेज इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक ये जो आपका चैनल है यहाँ पर भी मेरी क्लासेज होती हैं ऑन टू डेज विच इज़ ट्यूजडे एंड सैटरडे आपकी सिक्स पी एम ये क्लासेज होती हैं फिलहाल हम क्या कर रहे हैं इन क्लासेज में वी आर कवरिंग राइटर्स विद दर वर्कस तो हम एक क्लास में एक राइटर उठाते हैं वी टॉक अबाउट द राइटर द बायोग्राफिकल डिटेल्स दर लाइफ दिय वर्क द लिटरी स्टाइल ऑल द लिटरी आउटपुट दैट ए प्रोड्यूस राइट ऑल दट वी डिसकस एंड देन वी ऑल्सो सॉल क्वेश्चन ऑन द सेम राइटर तो आपका ऑल अब द राइटर लिटरेरी लेजेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं ऑन इन दिस पर्टिकुलर सीरीज़

वंस यू फाइन दिस चैनल जितनी भी आपकी क्लासेस होती हैं यू गेट नोटिफाइड अबाउट दीज क्लासेस बिफोर द बिगिन ठीक है अडिशनली जितने भी क्लासेज के फ्री क्लासेस के पी डी एफ्स होते हैं कुछ स्टडी मटीरियल है स्टडी डिस्कशंस हैं स्टडी ग्रूप है वो आपका कहाँ मिलता है आपको सारा ऑन द टेलीग्राम चैनल चलिए दैट बींग सेट अब आपका क्या करते हैं हम स्टार्ट कर देते हैं आई वो टॉकिंग अबाउट द पेड क्लासेस अभी भी अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रक्चर से प्रिपेसन करनी है अपने जो कोर्स है वो लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में रन होता है ठीक है तो आपकी लाइव क्लासेस होती है एट फोर पी एम बट यू हैव द सेम क्लासेस जो आपके पास रिकॉर्डेड मोड में भी अवेलेबल रहती है सो एज एंड टाइम आप इन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स भी मिलते हैं इन द सेम क्लासेस ठीक है जो भी हम पी वाई यूज हैं वो भी सॉल्व करते हैं इन द सेम क्लासेस ये आपका एक स्ट्रक्चर तरीके से बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपका कोर्स कंप्लीट करवाता है बिफोर योर डिसम्बर एग्जाम विच इज योर यूजीसी नेट की जो आपकी डेट्स होती है वो डिसंबर साइकिल की होती है ठीक है चलिए अब हम स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन के साथ

राम चरित्र और यू कैन सिंपली कॉल इट द स्टोरी ऑफ द स्टोरी ऑफ लेटर लाइफ ऑफ लेटर लाइफ ऑफ लॉर्ड राम ऑफ लॉर्ड राम ठीक है ये आपका वर्क आ जाता है हु इज़ द राइटर द राइटर इज भावभूति आपका एंशियंट इंडियन लिटरेचर का ये वर्क आ जाता है ना विच ऑफ दीज फाइव स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली ट्रू अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्क Statements kya hai? The time space of the play is divided into three broad sections, is it? Secondly, the first act of the play deals with only the birth and childhood of Ram third is it a play about uh, based on the Ramayan, the epic right and its themes have been de derived from the last canto of ramayana lastly in the second act of the play sita takes refuge in the hermitage of sage vishwamitra hanji these are your five options you have to tell which of these options do apply to the work uttar Ramcharita. who's the author the author is shall uh, we start answering please

Its themes have been derived from the last canto of Ramayan. This is also your correct answer. In the second act of uh, the play, Sita takes refuge in the hermitage of Vishwamitra. No, she does not. So, your answer ho A, C, and D. A, C, and D is the correct answer.

Bhimyan by Sri Vidya Natarajan and S Anand, Munu, a boy from Kashmir by Malik Sajad, and a fine balance by Rohintan Misri This side that, that side by restoring partition by Vishwajyoti Ghosh. Please note, this is not restoring. This is not restoring. The word is not restoring. Word? What re story, re okay? re is re Restoring? Story? Restory? restoring. That is retelling the story of partition. Hanji, which of these works are graphic narratives? चलिए आंसर्स देख लेते हैं यू आंसर टू द क्वेश्चन इज बी सी एन ई सबसे पहले आपका वर्क आता है भीमयान बाय श्री विद्या नटराजन एंड एस आनंद भीमयान क्या है आपके जो आ, हमारे जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे बी आर अम्बेडकर

तो है ही जितना भी पार्टीशन का टर्मोइल है, है जो आपका मेजर इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडियन हिस्ट्री में आपका नॉट जस्ट इंडियन हिस्ट्री में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक बिगेस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट आपका इवेंट हो जाता है पार्टीशन उस पार्टीशन के इवेंट को

कैरेक्टर्स विद बैड इंटेंशंस, कैरेक्टर्स विद इविल इंटेंशंस, जब उनको एक खराब एंड मिलता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी राइट और जो आपके अच्छे कैरेक्टर्स हैं इनसेंट कैरेक्टर्स हैं कैरेक्टर्स विद गुड इंटेंशंस, ठीक है वर्चुअस कैरेक्टर्स हैं व्हेन दीज करेक्टर्स गेट रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द स्टोरी दैट आइडिया इज कॉल्ड पोइटिक जस्टिस द टर्म वॉज फर्स्ट यूज बाई थॉमस रॉमो विच मेक्स द स्टेटमेंट करेक्ट द टर्म न्यू क्लास कोलोनियलिज्मीवाज दिस करेक्ट और नॉट नेक्स्ट आपका है नायलिज्म

आपके जो कैक्सन है विलियम कैक्सन एक्चुअली ब्रॉड प्रिंटिंग प्रेस टू तो इंग्लैंड ठीक है उन्होंने ले मोटे अर्थ जो मैलरी का है पब्लिश तो किया था प्रिंट तो किया था आपका कैंटेबरी टेल्स भी इन्होंने प्रिंट किया था बट

next question again you have on one side you have the prizes, major literary prizes major literary recognitions if not prizes recognitions as well okay recognitions and prizes. on the other side you have the years in which these were started years in which these were started Jab analysis bhi kiya tha, something that i told you people is agar aapko चारों ऑप्शंस की डेट्स नहीं पता थी एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए था कि जो आपके फर्स्ट थे, थे? आपके पोएट लॉरेट की जो पोजीशन है वो स्टार्ट होती है इन द सिक्सटीन सिक्सटी एट किंग चार्ज द सेकंड बनाया था मेड हिम दोर्ट लॉरियट किंग सेकंड की रेन थी उस टाइम पर तो अगर आप मैच कर देते

सबसे पहले बकर आता है 1968 में पुलित्जर इन द ईयर 1917 अ नोबेल प्राइज द प्रेस्टीजियस नोबेल प्राइज जो सिर्फ लिटरेचर की फील्ड में नहीं दिया जाता है बाकी फील्ड में भी दिया जाता है इन द ईयर 1901 ठीक है एंड फाइनली यू हैव पोइट लॉरेट की जो पोजीशन है वो 1668 में स्टार्ट की गई थी second, की किंग चार्ल्स द सेकंड उस टाइम पर आपके इंग्लैंड के किंग थे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू टू अरेंज दीज वर्क इन दर्डर ऑफ पब्लिकेशन ठीक है आपके पास कौन कौन से वर्क हैं मिशन फूकोस दर्क्योलॉजी ऑफ नॉलेज ठीक है रोलन बाथ्स माइथोलॉजीज ठीक है डेरेडास ऑफ ग्रेमिटोलिजी फॉलोड बाई लक्रेटिस क्या होता है राइटिंग्स एक्ट्स मीन्स वॉट इट मीनस राइटिंग्स राइटिंग्स जॉन फ्रेंको द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन रिपोर्ट ऑन नॉलेज ये आपके पास पांच वर्क्स आ गए हैं पांचों वर्क्स काफी मेजर थियरिस्ट के हैं ऑल दीज थियरिस्ट कम अंडर डिफरेंट थियरीज ऑल ऑफ देम या मोस्टली ऑल ऑफ देम कम इन डिफरेंट थियरीज ठीक है आपको क्या करना है इनको पब्लिकेशन यूर्स के हिसाब से अरेंज करना है चलिए चलो देख लेते हैं सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे विद माइथोलॉजीज किसका वर्क है आपके रॉल बार्थ्स का वर्क है पब्लिकेशन ईयर वाज 1957 देन The, आपका आएगा जाक्स जाक्सलका का एक्टिस या फिर राइटिंग्स देन आपका आएगा ऑफ ग्रेमिटोलॉजी बाय डेरेडा 1967 अच्छा इसको ट्रांसलेट किसने किया था इंग्लिश इंग्लिश में ऑफ ग्रेमिटोलॉजी वो ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय गायत्री पेवक आपकी गायत्री पेवक ट्रांसलेटेड ऑफ ग्रेमेटोलॉजी into English translated. ठीक है Then you have उसके बाद आपका आ जाएगा Michel Foucault का the archaeology of knowledge and last comes the postmodern theory का जो आपका work आता है Lyotard का the postmodern condition और report on knowledge. देख लेते हैं Mythologies published in 1957, Eckert's published in 1966 followed by Of Grammatology by Derrida in 1967, the archaeology of knowledge published in 1969 by who by Michel Foucault and lastly we have the 1979 work postmodern theory the work is called the postmodern condition a report on knowledge okay Let, let's move on then you have the next question is who made this statement what is the statement the statement says um, taste is that faculty of the soul which discerns the beauties of an author with pleasure and the imperfections with dislike the author here is joseph addison analysis maybe discussed in one of his essays published in the spectator addison made, made this comment he defined taste your taste your preference for something is defined as this right next question your next question is again you have to match on one side you have the works on the other side you have the writers right chaly the works are sham an illustrated retelling of the bhagwat TK, war of lanka ahalya's awakening and you have ajay epic of the korub clan epic of the kaurav clan Chale, let's have a look at the answers let's have a look at the answers

बाई कवितानेव अजय बाय आनंद क्वेश्चन आस्क यू टू पुट दी प्लेस ऑफ जी बी शोर जॉर्ज बोर्नर शॉर जो आपके विक्टोरियन एज के काफी मेजर प्ले राइट हैं इनके प्लेस को आपको पब्लिकेशन इस के हिसाब से अरेंज करना है अलॉट टू द स्टूडेंट गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग द रीजन वॉज क्या किया होगा आप लोगों ने दिन प्लेज वो स्टेज आपको उसके हिसाब से अरेंज नहीं करना था यू हैव टू अरेज दीज नॉवल्स इन दस इन नॉट नॉट नॉवल्स प्लेस इन दर्ज दैट दे वो पब्लिश ठीक है तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा वी विल स्टार्ट विद सबसे पहले आपका आता है आर्म्स एंड द मैन फॉलोड बाय मैन एंड सुपरमैन देन यू हैव पिगमेलियन फॉलोड बाय सेंट जो एंड लास्ट में आपका आ जाएगा टू गुड टू बी ट्रू इयर्स देख लेते हैं आर्म्स एंड द मैन पब्लिश इन 1898 राइट देन यू हैव मैन एंड सुपरमैन इन द नाइनटीन पिगमेलियन एंड नाइनटीन सिक्सटीन सेंट है आपका थ्री में लास्टली वी द ईयर now what becomes important here is that you do not simply have to remember the years in which these plays were staged you also need to remember the years in which these plays were published okay again chronology question very expected of nta to give you as many chronology questions as they can all right chali let's move on next question your next question is how um, how are the words from different languages other than english written in an english text are they used in written bold letters are they written in italics are they underlined yafid they are written in capital letters suppose you are writing an english text okay, and you have to use a word from hindi language how do you do that how do you write a hindi word in the english text do you um, you know, use bold letters do you write it in italics do you underline it or do you write it in capital letters the answer here is the answer here is italics

अन अबैश एंग्लोफिलिया ऑफ़ द ऑथर मेड दिस वर्क कॉन्ट्रोवर्शियल इट डेड मैंने आपको एक कोट भी दिखाया था क्या कहते थे निराज सिंह चौधरी ही सेट की बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश लेगेसी वी पीपल हैव बेनिफिटेड एड अलॉ राइट सो बेसिकली वो क्या कर रहे थे ही वॉज एक्चुअली जस्टिफाइंग द ब्रिटिश रूल ब्रिटिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज ठीक है इसीलिए ये थोड़ा आपका कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था ठीक है द पब्लिकेशन यज नाइनटीन फिफ्टी वन इट प्राइमरीली रेजेज द क्वेश्चन ऑफ कम्यूनल कॉन्फ्लिक्ट आपका आंसर हो जाएगा ए सी एंड डी ऑटोबायोग्रफिकल वर्क है फॉर श्योर sure है कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी बिकॉज ऑफ एंग्लोफीआर इन द नॉवल करेक्ट है बिल्कुल ठीक है पब्लिकेशन यूर नाइनटीन फिफ्टी वन है निराज सिंह चौधरी की नॉवल है नाइनटीन फिफ्टी वन की ऑटोबायग्राफिकल डिटेल्स हैं इसमें अगैन वेरी 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 करेक्ट

चलिए जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वी विल कवर द मास्टर क्लास ठीक है बट ये आपके कुछ क्वेश्चन हो गए हैं जो शिफ्ट वन के पेपर के हुए हैं ऑगस्ट ट्वेंटी फोर्स के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वी विल स्विच टू द मास्टर क्लास लेट मी जस्ट रिमाइंड यू जो आपके मास्टर क्लासेस हैं दे आर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है cost, आपको एक पूरी प्ले मिल जाएगी वैन यू फाइंड द फ्री क्लासेज ऑन मास्टर आपका जो टेक्स्ट बुक ऐप है ठीक है उसके अलावा फिर भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए क्लासेस की जब क्लासेस आपकी स्टार्ट होती हैं एंड यू डो नॉट वॉन्ट टू मेट ऑफ द क्लासेस हमारी बहुत सारी क्लासेज होती हैं फुल डे आपका यू जी का एक पूरा पैकेज रहता है यूट्यूब क्लासेज टेस्ट बुक क्लासेस होती हैं जो आपकी मास्टर क्लासेस होती हैं देन यू हैव पेड क्लासेस वेल आपकी इंग्लिश चैनल पर भी क्लासेज होती हैं इंग्लिश चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो ये आपकी क्लासेस कहाँ मिलती हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका लिंक मिल जाता है ठीक है यू गेट नोटिफिकेशन ऑन द टेलीग्राम चैनल इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड दैट विल बी ऑल फॉर माई साइड टू ठीक है All right we'll meet we'll meet in the master class and we will cover the rest of the questions in master class. Thank you for joining everyone I'll see you very very soon till then keep studying and good luck.